हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल हाथ के आर्ट में। आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हाथ के आर्ट में बहुत 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 स्वागत करती हूँ। आज हम ये बची हुई ऊन से बहुत ही खूबसूरत सा पैटर्न बनाना सीखेंगे। उसके लिए मुझे ये तीन रंग की ऊन लगेगी। आप कोई भी रंग की बना ले सकते हैं। मेरे पास ये तीन रंग की बची हुई थी तो मैं इन्हीं से बनाऊंगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ये देखिए, सबसे पहले हम इसे बनाएंगे। इसे हम इस तरह से पकड़ते हुए मैजिक रिंग लगाएंगे, देख सकते हैं आप, यहां से इस तरह से। अब हम यहाँ पे तीन चैन लेंगे, एक दो तीन, तीन चैन ले ली। इसके बाद यहाँ पे हम इस तरह से डबल क्रोशे बनाएंगे, देखिए। इसी तरह से हम यहाँ पे 12 डबल क्रोशे बनाएंगे। देखिए, मैं बना के अभी दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, मैंने 12 डबल क्रोशे बना लिए। जो हमने शुरू में तीन चैन ली थी, एक ये और 11 डबल क्रोशे, और इस तरह से मैंने इसको पूरा कंप्लीट कर लिया। अब हम इस धागे को पकड़ेंगे और इस तरह से टाइट खींचेंगे। टाइट खींच के जो हमने शुरू में तीन चैन ली थी, इसको यहाँ पे चौथे वाले चैन में हम इस तरह से इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे और इसको इस तरह से खींच देंगे। ये देखिए, ये हमारा सर्कल बन गया है। अब हम क्या करेंगे, ये दूसरे रंग की सफ़ेद वाला धागा लेंगे इस तरह से, और जहाँ पे हमने इसको अटैच किया था सेम उसी होल में से, ये देखिए, यहाँ से इस तरह क्रोशे डालेंगे और यहाँ पे गांठ लगा देंगे धागे में इस तरह से। और फिर हम यहाँ पे चार चैन लेंगे, एक दो तीन चार, चार चैन लेने के बाद सेम इसी होल में हम यहाँ पे तीन डबल क्रोशे और बनाएंगे इस तरह से। ये देखिए, ये टोटल चार डबल क्रोशे हो गए। अब हम क्या करेंगे, इस धागे को यहाँ छोड़ेंगे और जो हमने यहाँ पे चैन ली थी चौथे वाली चैन में इस तरह से क्रोशे डालेंगे और इसको इस तरह से वापस लाएंगे। फिर हम यहाँ पे दो चैन लेंगे, ये देखिए। फिर अब नेक्स्ट वाली चैन में यहाँ पे फिर से हम चार डबल क्रोशे बनाएंगे, एक दो तीन चार। फिर से जो ये चैन थी, ये फर्स्ट वाला जो ये डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर वाले चैन में इस तरह से हम इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। इस तरह से हर एक चैन में हम ये चार डबल क्रोशिया का एक पॉपकॉर्न बनाएंगे। ये देखिए, मैंने सेम पैटर्न से पहले ये कि फ्लावर बना रखा है। अगर आपको इसकी डिटेल में सीखना है तो मैंने चैनल पर पहले से इसकी वीडियो अपलोड कर रखी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये धागा लेंगे, इसको हम कहीं से भी यहाँ से ले लेते हैं इस तरह से, इसको हम जोड़ेंगे और चार चैन लेंगे, एक दो तीन चार, चार चैन ले ली। अब इसको इस तरह से घुमाएंगे और ये पिछले वाला जो ये देखिए आप यहाँ पे, इसको इस तरह से सिंगल क्रोशिया से अटैच कर देंगे इस तरह से। अब हम यहाँ पे तीन चैन लेंगे, एक दो तीन, तीन चैन लेने के बाद इस तरह से घुमाएंगे और यहाँ पे हम आठ डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन चार
पाँच, छः, सात और एक आठ। ये देखिए हमने आठ डबल क्रोशी बना ली। अब हम क्या करेंगे, ये जो नेक्स्ट वाला है इसको, इसमें हम सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे इस तरह से। फिर से हम चार चैन लेंगे, एक दो तीन चार। चार चैन लेने के बाद फिर से इसको इस तरह से घुमाएंगे, और जो हमने यहाँ पे इसको अटैच, मतलब यहाँ से हमने चार चैन ली थी तो बैक किया था, तो यहाँ पे हम देखिए ध्यान से इसको सिंगल क्रोशिया से इसको जॉइंट कर देंगे इस तरह से। अब फिर से तीन चैन लेंगे, एक दो तीन। तीन चैन लेने के बाद फिर इस तरह घुमाएंगे अपनी साइड को, और फिर से यहाँ पे आठ डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। आठ डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर अगले वाले में इस तरह से सिंगल क्रोशिया से इसको अटैच कर देंगे। फिर से चार चैन लेंगे और पीछे जॉइंट करेंगे इसी तरह से बनाते हुए। मैं अभी आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इसको यहाँ तक बना लिया है। अब हम फिर से यहाँ चार चैन लेंगे, एक दो तीन चार। चार चैन लेने के बाद इसको इस तरह से घुमाएंगे। अब वापस से यहाँ से हम इसको सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे इस तरह। फिर तीन चैन लेंगे, एक दो तीन। तीन चैन लेने के बाद इसको इस तरह घुमाएंगे और फिर से आठ डबल क्रोशिया बनाएंगे। दो तीन चार पाँच छः सात आठ। आठ डबल क्रोशिया हो गए। अब यहाँ पे इधर हम इसको सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे इस तरह से। अब वापस से हम चार चैन लेंगे, दो तीन चार। ये देखिए चार चैन। अब फिर से इसको इस तरह घुमाएंगे और यहाँ पे इसको सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। फिर से हम तीन चैन लेंगे, एक दो तीन। तीन चैन लेने के बाद इस तरह से घुमाएंगे और फिर हम यहाँ पे आठ डबल क्रोशिया बनाएंगे, दो तीन चार पाँच छः सात आठ। आठ डबल क्रोशिया हो गए। अब हम इसको यहाँ पे देखिए यहाँ सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। सिंगल क्रोशिया से जोड़ने के बाद इस धागे को हम यहाँ से काट देंगे। क्रोशिया को पीछे की साइड से डाल करके इसको इस तरह से खींच देंगे। इसको यहाँ से टाइट कर देंगे। ये देखिए अब हम इसे इस तरह से खोलेंगे। आप देख सकते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा पैटर्न बनकर तैयार है।
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक शेयर ज़रूर करना, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बने रहिए मेरे साथ, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।